पूजा पाठ करने वाले ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर पूजा पाठ करने वाले ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। यदि आप भी पूजा पाठ करते हैं और आप भी अंदर से दुखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको दुखी रहने का कारण मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूले। नास्तिक लोग ज्यादा सुखी रहते हैं बल्कि आस्तिक लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। यानी जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वह ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक है, जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सकें, उन्हें जीवन में सारे सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो, भक्त कुछ कर्म करें तो फिर मैं उसका साथ दूं। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करें तो मैं कुछ दूं। और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी। यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वह अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, भगवान चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। हर चीज वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं,
मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, रोग बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।